डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सुपर्ब. क्या कर रहे हैं सब बच्चास? जो भी कर रहे हो लीव कर दो, मैम के साथ आके बैठ जाओ बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द मैम, ओके, ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए. तो मैम क्या कराने वाली है आज? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास. न्यू नंबर्स पे नहीं जा रहे हैं, प्रोसीड नहीं कर रहे हैं न्यू नंबर्स के साथ. वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट वी आर डन इन द प्रीवियस क्लास, ओके. जो हमने प्रीवियस क्लास में किया है हम वो रिवाइज करेंगे, ठीक है? करें तो मैं प्रीवियस क्लास में क्या किया था, नंबर्स किए थे 21 to 28. तो आज हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे. आपको याद है हमने पहली भी एक्टिविटीज़ करी है फिल इन द मिसिंग न्यूमरल्स वाली, उसमें क्या करते हैं जो नंबर मिसिंग होता है वो फिल कर देते हैं, है ना? सबको आती है ना, 1 to 20 कर लिया, सबको आती है. मैम बार बार नहीं बताएगी कि हर एक्टिविटी में क्या होता है. सी, फिल इन द मिसिंग न्यूमरल्स 21 to 30. तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ आपको दे रखा है 21 से 30 के बीच के जो नंबर्स हैं, जो मिडल में नंबर्स आते हैं वो मिसिंग है, वो आपको फिल करने हैं. फर्स्ट वन इज 2525. अब 2525 के बाद क्या आता है, कौन बच्चा बताएगा मैम को? 2525 के बाद क्या आता है? 2626. What come after 2525? 2626. Then 2626 ke baad 2727. Acha bachas, did you notice something? Kar you notice? Yes. Ye center mein line kyun hai? Ye isliye hai ki taki aap confuse na ho jaye ki टी के नीचे मीन्स टेंस के नीचे हमें क्या लिखना होता है एंड वंस के नीचे क्या. आप सोचोगे कि 26 हम साथ में भी तो लिख सकते हैं, नहीं. इसलिए ये लाइन ड्रॉ करिए, टू ब्लॉक्स डिफरेंट कर दिए, मतलब सेपरेट कर दिए, ताकि आप नंबर सेपरेट सेपरेट लिखो, ओके. सो वी आर डन विद वन सीरीज 25 26 27 28. मैम ने रॉन्ग रीड किया, ऐसे रीड नहीं करना आपको. आपको कैसे रीड करना है, आप स्मॉल हो ना तो आपको ऐसे रीड नहीं करना, 25 ऐसे नहीं करना, 25 26. आपको कैसे करना है, 25 25, सेपरेटली इंडिविजुअली नंबर्स को रीड करना है. 25 25 26 26 27 27 28 28. नाउ लुक एट द नेक्स्ट लाइन, 21 21. क्या होता है 21 21 के बाद क्या आता है, 2 to 22 के बाद 23 23 23 के बाद 24 24, then 25 25. सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, लेट्स चेक इट आउट. 2 1 21 2 2 23 sorry 2 2 22, 2 3 23 2 4 24 2 5 25, ओके. लास्ट रो ध्यान से देखेंगे, 2 6 26 के बाद क्या आता है, 2 7 27. देन व्हाट कम्स आफ्टर 2 7 27? 2 8 28. नाउ 8 के बाद क्या आता है, 2 9 29. 29 यहाँ पे गिवन है, तो 2 9 29 के बाद क्या आएगा, ये ट्रिक है. ये अब बताओगे क्या आएगा 2 9 29 के बाद, सोचो फिर मैम बताती है. सी, इजी वन, इसको लर्न करने का. 9 के बाद क्या आता है, 10. तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है. देन 2 के बाद क्या आता है, 3. आ गया 3 0 30. इसको कैसे करते हैं, जब भी लास्ट में 9 नंबर होगा, मीन्स आपकी काउंटिंग फिनिश हो गई, आपके पास 9 नंबर आ गया, तो जब भी 9 नंबर आएगा उसके बाद हमेशा 0 आता है. 9 के बाद 10 आता है, तो 9 के बाद आता है 0, तो यहाँ पे आप 0 लिखोगे. एंड 2 के बाद क्या आता है, नेक्स्ट नंबर 3, आप 3 लिख दोगे. ईजी वे लर्न करने का, अगर आपको लर्न नहीं होता, नहीं तो इससे ईजी वे है. 2 के बाद किसकी ट्रेन आती है, 3 की. तो आप क्या करोगे, 3
3030, ठीक है। ये है लर्न करने के वे ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो देखो हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25, नाउ लुक हियर, 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30, वी आर डन विद 21 to 30। सो मैम ने तो लर्न करा दी 1 to 30। अब हम मीट करेंगे न्यू नंबर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मामा को बोलेंगे प्रैक्टिस कराएगी, मैम प्रोवाइड करेगी वर्कशीट आपको, वो मतलब जो वर्कशीट मिलेगी सेम एज वही करनी है और मैम को सेंड करनी है। प्रैक्टिस 1 to 30, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।